हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे थर्ड क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का छठा चैप्टर हमसे सब कहते। ये एक कविता है और ये कविता लिखी गई है निरंकार देव सेवक जी के द्वारा। इस कविता में जो बच्चे हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि हमें सब लोग डांटते हैं, लेकिन जो सूरज है उसको कोई नहीं डांटता। कोई सूरज से नहीं कहता कि यहाँ पर धूप मत फैलाओ, जहाँ सूरज का मन होता है वहाँ पर धूप फैला देता है सूरज। कोई चांद से नहीं कहता कि तुम अपनी चांदनी है उसको उठाकर ले जाओ, तुम यहाँ पर चांदनी मत फैलाओ। कोई भी हवा से नहीं कहता कि तुम अंदर क्यों आ जाती हो, कोई भी हवा को नहीं डांटता। बादल से भी कोई कुछ नहीं कहता, जब मर्जी होता है तो वो पानी बरसा देते हैं। फिर जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि फिर भैया हैं वो हमें ही क्यों डांटते हैं, वो हमसे ही क्यों कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ मत खेलो। अम्मा ये क्यों कहती हैं कि यहाँ पे खेल खिलौने हैं वो मत फैलाओ। पापा हमसे ही क्यों कहते हैं कि बाहर खेलो, खबरदार जो तुम अंदर आ गए। इस तरह से हमको ही क्यों डांटते हैं। तो वो कहते हैं बच्चे कि सबका जो बस चलता है वो हम पर ही चलता है, और जो डांटते हैं सब लोग हमको ही डांटते हैं, बाकी और लोगों से कोई कुछ नहीं कहता। तो जब जिसका मन होता है वो हमको डांट देता है। तो जो बच्चे हैं बहुत अधिक परेशान हैं क्योंकि उनकी हमेशा डांट लगती रहती है कोई भी काम करने पर। यहाँ पर हमारी जो कविता है वो ख़त्म हो गई। यहाँ पर जो बच्चे हैं बहुत परेशान हैं, बहुत नाराज़ हैं क्योंकि उनकी हमेशा डांट लगती रहती है। तो बच्चों आप इस कविता को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।